The class of modules and field theory, we are going to discuss about the algebraically closed fields and algebraic layer. And second topic will be the conjugation isomorphisms. Okay जी, तो start करते हैं जरा यहाँ से. सबसे पहले algebraic number क्या है? An algebraic number is any complex number, including real numbers, that is a root of non-zero polynomial. That is a value which causes the polynomial equal to zero in one variable with rational coefficients. यानी कि आपके पास polynomial कौन सी है? या कोई भी polynomial है p of x, लेकिन उसके जो coefficients हैं वो कहाँ से हैं? Rational से हैं. तो सारे के सारे वो जो हैं जो इस polynomial के roots होंगे जो कि belong कहाँ से करेंगे? C से belong करेंगे. ठीक है जी. तो हम उन अल्फाज को जो इस पॉलिनोमियल्स के रूट होंगे जो बिलोंग सी से करेंगे उसको हम अलजेब्राइक नंबर कहते हैं. ठीक है जी. तो लेट एफ इज सब फील्ड ऑफ ई. ठीक है जी. यानी कि ई इज द फील्ड एक्सटेंशन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ई दैट आर अलजेब्राइक ओवर एफ फॉर्म अ फील्ड. यानी कोई भी ये अलजेब्राइक नंबर्स हैं आपके पास. ये वहाँ तो ऊपर खास बात हो रही थी क्यू और सी के वाले से. यहाँ पे कोई भी है फील्ड एक्सटेंशन है ई और सेट ऑफ एलिमेंट सारे जो ई के हैं जो अलजेब्राइक ओवर एफ हैं वो हमेशा फील्ड परफॉर्म करते हैं. एंड वी कॉल इट द अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर एफ. और हम इसको क्या कहेंगे कि ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर एफ है आपके पास. ठीक है जी. ये ई नहीं है, एफ है. ठीक है जी. तो एग्जाम्पल में ज़रा देखें कि लेट क्यू इज अ सब फील्ड ऑफ सी. ये सी इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू. द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट आर अलजेब्राइक ओवर क्यू इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स. अब सी के सारे जो अलजेब्राइक्स हैं, हाँ जी, अलजेब्राइक नंबर्स हैं जो वो एक फील्ड परफॉर्म करते हैं और उनको कहते हैं हम फील्ड ऑफ अलजेब्राइक नंबर्स या अलजेब्राइक नंबर फील्ड. बाय डेफिनेशन एवरी जीरो ऑफ रेशनल पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक नंबर. ठीक है. ये मैंने एग्जाम्पल में यहाँ ये एक किस्म की डेफिनेशन भी है और एग्जाम्पल भी है कि वो वाकई देख लें कि वो फील्ड परफॉर्म कर रहे हैं जो कि अलजेब्राइक नंबर हैं सारे के सारे सी के ऊपर, क्यू के ऊपर, सी के. बाय डेफिनेशन एनी जीरो ऑफ रेशनल पॉलिनोमियल इज आल्सो एन अलजेब्राइक नंबर. मोर सरप्राइजिंगली एवरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विद अलजेब्राइक नंबर कोफिशिएंट इज एन अलजेब्राइक नंबर. ठीक है ना जी. यानी एवरी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विद अलजेब्राइक नंबर कोफिशिएंट. अलजेब्राइक नंबर भी अगर कोफिशिएंट्स में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना जी, तो वो नंबर भी जो आपके पास होगा उसका जो रूट होगा उसको भी आप अलजेब्राइक नंबर कह सकते हैं. ठीक है ना जी. नेक्स्ट देखें, फील्ड एफ इज सेड टू बी अलजेब्राइकली क्लोज्ड इफ एवरी नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स हैज जीरो इन एफ. यानी हम फील्ड एफ को अलजेब्राइकली क्लोज्ड कहेंगे कि अगर हम एक्स के जो पॉलिनोमियल रहेंगे एफ ऑफ एक्स इसकी कोई भी पॉलिनोमियल रहे और उसको सॉल्व करें तो उसका जो आंसर यानी जो रूट आए वो एस एफ के अंदर ही लाया करें. तो हम कहते हैं एफ जो है वो अलजेब्राइकली क्लोज्ड है. नेक्स्ट इक्विवेलेंट डेफिनेशन है द फील्ड एफ इज अलजेब्राइकली क्लोज्ड इफ एवरी पॉलिनोमियल हैज अ रूट अल्फा बिलोंग्स टू एफ. तो उसी की इक्विवेलेंट है. और अ फील्ड एफ इज अलजेब्राइकली क्लोज्ड इफ एवरी पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट इन एफ हैज अ रूट इन एफ. ये भी उसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है आपके पास. फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लेक्स फील्ड सी इज अलजेब्राइकली क्लोज. ठीक है. सी ऑफ एक्स में कोई पॉलिनोमियल भी लें आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं और आप देखेंगे वो सी के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा. और चौथी है कि एफ इज सेड टू बी अलजेब्राइकली क्लोज्ड इफ एवरी अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ ई ओवर एफ इज ट्रिवियल दैट इज ई इक्वल. यानी कि आप उसकी अलजेब्राइक एक्सटेंशन निकालेंगे अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड की तो वो वही रहेगी इटसेल्फ. ये इक्विवेलेंट डेफिनेशंस आपके सामने हैं. एग्जांपल्स में आर फाइनाइट फील्ड्स क्यू एंड आर नॉट अलजेब्राइकली क्लोज्ड. ये तीन बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं जो कि अलजेब्राइकली क्लोज्ड नहीं है फील्ड. क्यों नहीं है? अब मैं अगर R को कहूँ तो R के अंदर ही आपके पास एक अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वन और आप देख लेंगे इसका सोल्यूशन जब आप निकालेंगे वो आयोटा माइनस आयोटा आएगा. तो इट मीन कि R ऑफ एक्स
जो जब आपने यहां से कोई एक पॉलिनोमियल ली तो इसका रूट आर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए आर अल्जेब्राइकली क्लोज नहीं है। सी इज अल्जेब्राइकली क्लोज, नो डाउट अल्जेब्राइकली क्लोज। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्जेब्राइक क्लियर की, कि वी से दैट ई इज एन अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ एफ इफ ई इज अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ पहली प्रॉपर्टी एंड ई इज अल्जेब्राइकली क्लोज, यानी ऐसी अल्जेब्राइक एक्सटेंशन जो कि अल्जेब्राइकली क्लोज्ड हो, तो उस अल्जेब्राइक एक्सटेंशन को आप कह देंगे कि दैट इज द अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ द गिवन फील्ड एफ। और आगे इसको तफसील, एन अल्जेब्राइक क्लियर एफ ऑफ अ फील्ड एफ इज एन अल्जेब्राइक क्लियर ई ऑफ अ फील्ड एफ इज एन अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ दैट इज अल्जेब्राइकली क्लोज्ड, ठीक है। यानी ऐसी फील्ड अल्जेब्राइक क्लियर का मतलब क्या हुआ कि उसकी फील्ड एक्सटेंशन ऐसी निकालनी है जो अल्जेब्राइक एक्सटेंशन जो अल्जेब्राइकली क्लोज्ड भी हो, ठीक है ना जी। और अगर वो अल्जेब्राइकली क्लोज नहीं होगी, सिंपल अल्जेब्राइक एक्सटेंशन होगी, तो वो फिर अल्जेब्राइक क्लियर नहीं बनेगा एफ का। अच्छा, रिमार्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि अल्जेब्राइक क्लियर गिव्स अस लार्जेस्ट अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। इसका मतलब ये जो है रिमार्क है, किसी भी अल्जेब्राइक क्लियर हमें क्या देता है जी, मैक्सिमम अल्जेब्राइक क्लियर या लार्जेस्ट अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ देता है हमें। सॉरी, एवरी फील्ड हैज एन अल्जेब्राइक क्लियर, हर फील्ड का अल्जेब्राइक क्लियर एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जरा, फील्ड एफ इज सेड टू बी अल्जेब्राइकली क्लोज्ड इफ द अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ एफ इक्वल टू इट्सेल्फ। उसका एफ अगर अल्जेब्राइकली क्लोज्ड है तो फिर उसका आप जब देंगे अल्जेब्राइक क्लियर तो वो इट्सेल्फ के इक्वल आएगा, जिस तरह के प्रीवियस स्लाइड पे भी आपने देखा, जहाँ पे जब हम अल्जेब्राइक क्लियर की डेफिनेशन कर रहे थे तो उसमें यही था कि वो अल्जेब्राइकली क्लोज्ड होगा। एग्जाम्पल में देखें, क्यू बार द फील्ड ऑफ अल्जेब्राइक नंबर्स इज एन अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ क्यू। ये अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ क्यू, ये बात याद रखना है कि अल्जेब्राइक नंबर्स आएंगे, इस वजह से मैंने पहले अल्जेब्राइक नंबर की डेफिनेशन रखी थी, ठीक है जी। आल्सो एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बना के दिए कि अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ दिस इज दिस अल्जेब्राइक नंबर्स, ठीक है जी। इसका अल्जेब्राइक क्लियर सी, इसका अल्जेब्राइक क्लियर सी ऑफ एक्स। अब मुझे यहाँ पे जो है क्या ये अल्जेब्राइकली क्लोज्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है जी, ये चेक करने वाली चीज़ है, ठीक है ना जी। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये सीक्वेंस आपके पास बन रही है। सेकंड एग्जांपल है, सी इज एन अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ आर, ठीक है जी। जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो रियल नंबर के अल्जेब्राइक क्लियर बन जाते हैं। क्यों? कि जो सी है, सबसे पहली डेफिनेशन जो है अल्जेब्राइक क्लियर के लिए, कि ये इसकी अल्जेब्राइक एक्सटेंशन हो, और ये अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है इसकी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हो ये अल्जेब्राइकली क्लोज्ड हो। तो सी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल आप रह के सॉल्व करके चेक करें तो आपके पास रूट सी के अंदर ही रहेंगे, तो इट मीन कि वी आर डन। थर्ड एग्जाम्पल ये इंटरेस्टिंग है, सी इज नॉट एन अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ क्यू। ये आपने देखा, हालांकि सी अल्जेब्राइकली क्लोज तो है, लेकिन ये अल्जेब्राइक क्लियर क्यों नहीं है? कि सी क्यू की अल्जेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टी ये नहीं ओबे कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि क्यू सी कॉलन क्यू जो आएगा आपका, डिग्री ऑफ सी और क्यू इज इन्फिनिटी, सो इट इज नॉट अल्जेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है ना जी। फोर्थ एग्जाम्पल है, क्यू स्क्वेयर रूट टू इज नॉट एन अल्जेब्राइक क्लियर ऑफ क्यू। हालांकि ये देखें कि अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है, लेकिन ये जो है आपके पास फील्ड जो है, ठीक है ना जी, ये अल्जेब्राइकली क्लोज नहीं है। हाँ जी, ये अल्जेब्राइकली क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, आपके एक पॉलिनोमियल ये के ऑफ एक्स के अंदर लाई करती है आपके पास, ठीक है जी। ये जो फील्ड दे रखी है आपने के क्यू स्क्वेयर रूट टू वाली, ठीक है ना जी, ये इसके अंदर तो लाई करती है, ठीक है ना जी। लेकिन आप ज़रा देख लें कि स्क्वेयर रूट थ्री जो होगा ये बिलोंग नहीं करेगा के से, इसका मतलब ये अल्जेब्राइकली क्लोज्ड ना हुई। अल्जेब्राइक एक्सटेंशन तो हुई, लेकिन अल्जेब्राइकली क्लोज ना हुई, सेकंड प्रॉपर्टी ये डिस्क्वालीफाई कर रही है।
फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, ये जो है वो ये अल्जेब्राइक नंबर की आपके सामने एक किस्म की डेफिनेशन है कि वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सी के क्यू के ऊपर अल्जेब्राइक हैं। द फैक्ट दैट ए इज अ फील्ड, यहाँ पे ए कैपिटल है, दैट ए इज अ फील्ड, ठीक है जी, सब फील्ड ऑफ सी फॉलोज फ्रॉम आवर अर्लियर रिजल्ट दैट द सम प्रोडक्ट एंड और डिफरेंस ऑफ अलजेब्राइक नंबर इज अलजेब्राइक, ये प्रीवियस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, क्योंकि अलजेब्राइक नंबर है ये, तो फिर जाहिर बात है इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारा ये ऑटोमेटिकली सब फील्ड बन जाएगी जो कि उसी के अंदर सेट करेगी बैठेगी। नेक्स्ट थ्योरम में अ फील्ड एफ इज सेट टू बी अलजेब्राइकली क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स फैक्टर्स इन टू लीनियर फैक्टर्स, यानी अलजेब्राइकली क्लोज फील्ड की ये जो है शॉर्टेस्ट डेफिनेशन कि उसकी जो हर पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स की वो लीनियर फैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो सके, स्प्लिट हो सके, फैक्टराइज हो सके, तो वो अलजेब्राइकली क्लोज्ड होगी आपके पास, ठीक है जी। कोरोली है इसकी कि एन अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड एफ हैज नो प्रॉपर अलजेब्राइक एक्सटेंशन, दैट इज नो अलजेब्राइक एक्सटेंशन ई सच दैट एफ इज कंटेंट इन ई, सच दैट एफ इज कंटेंट इन ई या ई इज कंटेंट इन एफ, एन अलजेब्राइकली क्लोज फील्ड एफ, तो हम मान लेते हैं कि लेट ई बी एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ सच दैट एफ इज सॉरी एफ इज अ सब फील्ड और ई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है, फिर देन एल्फा बिलोंग्स टू ई, वी हैव द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर एल्फा ओवर एफ विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा, लीनियर फैक्टर में आएगा, जाहिर बात है कि अल्जेब्राइक एक्सटेंशन है और इसको आपने अल्जेब्राइकली क्लोज्ड मान रखा है और एक दूसरी आपने उसका लिया हुआ है क्लियर, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर जो कोरोली की स्टेटमेंट है कि एन अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड एफ, तो एफ अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है, तो फिर इसका मतलब है कि इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर एल्फा ओवर एफ जो होगा वो लीनियर आपके पास आएगी, दस एल्फा बिलोंग्स टू एफ हो जाएगा आपके पास एंड वी मस्ट हैव ई इक्वल टू एफ, तो उसकी कोई अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड की जो एक्सटेंशन है वो इटसेल्फ ही है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जरा कॉन्जुगेट्स, लेट ई बी एन अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ टू एलिमेंट्स एल्फा बीटा बिलोंग्स टू ई, ये बात याद रखनी है, ई से एफ से नहीं है, आर कॉन्जुगेट्स ओवर एफ इफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ फॉर एल्फा ओवर एफ इज इक्वल टू द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर बीटा ओवर एफ, यानी कि ए की मिनिमल पॉलिनोमियल के दोनों रूट करेंगे उसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, तो हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे कि वो एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है ना जी। तो रिमार्क के तौर पे यहाँ एक दी गई है कि द टर्मिनोलॉजी कंजुगेट कम्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इफ जी इज अ कॉम्प्लेक्स जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स दिस देन जी बार इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस, ये देख सकते हैं आप कि जी बार भी उसका रूट होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ गिवन है जिसके ए प्लस आयोटा बीटा और ए माइनस आयोटा बीटा बोथ रूट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि इन सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम कंजुगेट्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, ओवर क्यू, ये ओवर क्यू मीन कि पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स लिए जाएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे जी, क्यू से लिए जाएंगे, फोर आयोटा माइनस आयोटा के लिए इन क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन मौजूद है जिसको आयोटा और माइनस आयोटा दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो बाय डेफिनेशन जो है ये मीन के आयोटा और माइनस आयोटा आर कंजुगेट्स, और ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप पढ़ चुके हैं। सिमिलरली स्क्वेयर रूट टू माइनस टू माइनस स्क्वेयर रूट टू बिलोंग्स टू सी, यू हैव द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू ओवर क्यू, ठीक है ना जी, आपके पास इसके करेस्पॉन्डिंग भी रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल क्यू के ऊपर है, इट मीन के जिसके रूट और स्क्वेयर रूट टू और माइनस स्क्वेयर रूट दोनों उसके रूट्स हैं, तो दे आर कंजुगेट टू ईच अदर। इसी तरीके से ये एलिमेंट्स आपस में कंजुगेट हैं आपके पास, ये सारे के सारे जो हैं रूट बनते हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है ना जी, तो ये सारे के सारे आपके पास कंजुगेट बन जाएंगे।
ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट इसके जो है फेमस है द कंजुगेशन ऑफ आइसोमार्फिज्म। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि कंजुगेट्स जो होती है मैपिंग, कंजुगेट मैपिंग इज ऑलवेज आइसोमार्फिज्म। सो चलें यहाँ से जरा स्टार्ट लेते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से मैं बात कर रहा था कि लेट एफ बी ए फील्ड एंड लेट अल्फा बीटा बी अलजेब्रिक ओवर एफ। एफ आपके पास एक फील्ड है और लेट अल्फा बीटा आर अलजेब्रिक ओवर एफ विद डिग्री ऑफ अल्फा ओवर एन। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज देयर फोर अल्फा ओवर एन फोर अल्फा ओवर एफ द मैपिंग। अब मैपिंग डिफाइन कहाँ से साया ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज फ्रॉम एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा। ये फील्ड्स बनेंगे चूंकि ये अलजेब्रिक एलिमेंट्स हैं, जो अलजेब्रिक एक्सटेंशन है एक किस्म की, ठीक है जी। डिफाइंड बाय, डिफाइंड किस तरह की गई है कि वो जब किसी पॉलिनोमियल पे, ठीक है जी, अल्फा सी नॉट सी वन सी अल्फा सी सी वन अल्फा सी टू अल्फा टू एंड सो ऑन अप टू सो ऑन प्लस सी एन माइनस वन अल्फा एन माइनस वन पे जब ये एक्ट करेगी सी साई ऑफ अल्फा बीटा तो इट यू विल गेट दिस वन। ये डिफाइंड इस तरह कर दी गई है, ठीक है जी। फॉर सी आई बिलोंग्स टू एफ इज एन आइसोमार्फिज्म ऑफ एफ ऑफ अल्फा ऑन टू एफ ऑफ बीटा इफ एंड ओनली इफ अल्फा बीटा आर कॉन्जुगेट्स ओवर। और ये क्यों लिखा गया ये यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको दी गई है फुट नोट में, क्योंकि उसके जो आपके पास क्योंकि nth डिग्री की डिग्री है तो फिर आपको पता है कि बेसिस आप उसके वन अल्फा अल्फा स्क्वायर आप टू अल्फा माइनस वन होंगे, तो ये उनकी लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे कोई पॉलिनोमियल लिखी गई है। अब करना क्या है हमने, वो ये कह रहा है कि अगर ये आइसोमार्फिज्म एग्जिस्ट करेगी तो फिर साया ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल होंगे सी नॉट प्लस हो ऑन, ये जो चीज़ लिखी गई है ये दोनों ये आपस में इक्वल होंगे उस वक्त जब अल्फा और बीटा आपस में कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है ना जी। तो हम क्या काम करना चाहिए हमें कि हम एक तरफ से मान लेते हैं कि सपोज साया ऑफ अल्फा बीटा अल्फा साया ऑफ अल्फा बीटा टू एफ ऑफ अल्फा टू एफ बीटा इज डिफाइंड ओवर दिस आइसोमार्फिज्म जो स्टेटमेंट में दी गई है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं और प्रूव कर देंगे कि अल्फा बीटा कॉन्जुगेट्स हैं। तो लेते हैं जरा यहाँ पे कि एक अल्फा के लिए इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ सपोज आपने ये ले रखी है, लेट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा ओवर एफ इज दिस, ठीक है ना जी। चूंकि ये अल्फा फिर इसका रूट होगा देन वी मे राइट दैट बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा इक्वल टू जीरो। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई साया ऑफ अल्फा बीटा अपॉन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो साया ऑफ अल्फा बीटा आपने इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये इसकी इक्वल आ गया, चूंकि ये जीरो था इक्वल टू, तो यहाँ दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा भी उसका रूट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉलिनोमियल आपके पास बीटा वाली आ गई है चूंकि वो बीटा को भी क्वालिफाई कर गया है, तो आपने तो रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा मानी हुई थी, तो इट मीन कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ बी फॉर बीटा ओवर एफ डिवाइड्स द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल डिवाइड्स द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फॉर अल्फा ओवर एफ। ये हम प्रीवियस एक थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। अ सिमिलर आर्गूमेंट यूजिंग आइसोमार्फिज्म साई ऑफ ए अल्फा बीटा इनवर्स इक्वल टू साई ऑफ बीटा बीटा अल्फा शोज दैट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो है फॉर अल्फा ओवर एफ डिवाइड्स द इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल फॉर बीटा ओवर एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स फॉर अल्फा ओवर एन की जो आपके पास सॉरी डिग्री बन पॉलिनोमियल बन रही हैं दे आर इक्वल, देयरफॉर सिन बोथ पॉलिनोमियल्स आर मोनिक सो इरिड्यूसिबल ऑफ अल्फा ओवर एफ इक्वल टू दिस सो अल्फा एंड बीटा आर कॉन्जुगेट्स ओवर एफ। कॉन्जुगेट की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, ज़रा उसको रिप्लाई यहाँ पर पुट कर दें, आप देख लें इरिड्यूसिबल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ यानी अल्फा और बीटा दोनों एक पॉलिनोमियल के रूट्स हो गए आपके पास यहाँ पे भी, ठीक है ना जी। तो ये आपने एक साइड आपने कह लिया था, हाँ जी।
वो जो मैप डिफाइन करके दी गई थी आइसोमार्फिज्म की, उसको अप्लाई किया आपने इसके ऊपर, तो अल्फा बीटा आपके सामने कंजुगेट आ गए हैं। अब कन्वर्सली इसको सपोज करते हैं कि जेटा सपोज कि एक आपके पास इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर एफ, और वो सेम ही है अल्फा बीटा, उसके दो रूट्स हैं यानी कि वो आपस में कंजुगेट्स हैं अल्फा बीटा। आपने अब ये प्रूव करना है जो स्टेटमेंट में आइसोमार्फिज्म दी गई है। देन द इवेल्युएशन मैप्स फाई ऑफ एल्फा, एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एल्फा एंड फाई बोथ हैव द सेम कर्नल पी ऑफ एक्स। कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस देर इज अ नेचुरल आइसोमार्फिज्म साई ऑफ एल्फा मैपिंग एफ ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स ऑन टू दिस वन। सिमिलरली फाई ऑफ बीटा एक आपके पास मैप है, ये जरा डायग्राम पे भी यहाँ पे देख लें कि वो कह रहा है, ठीक है ना जी। आपने जो है मान रखा है कि वो आपस में जो हैं कॉन्जुगेट्स हैं, और अब वो जो मैपिंग है उसको आप उसकी तस्दीक करना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एल्फा फाई ऑफ एल्फा एफ के वैल्यूएशन मैप है, ये सिक्स स्कीमेटिक मैंने पर दिया हुआ है। साई ऑफ बीटा ये मैप है आपके पास, फाई ऑफ बीटा साई ऑफ बीटा ये है, साई ऑफ एल्फा ये है और गेमा है, और एलिमेंट किस किस को मैच कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स के जो एक्स है वो यहाँ से लिया जाएगा या फाई ऑफ एल्फा, तो यहाँ पे एल्फा के साथ उसकी होगी मैचिंग होगी, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डैश डैश इनके हवाले से, डैश जो डली गई है, बाकी भी थ्योरी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। तो वो जो उस स्लाइड पे हम मुड़ के जाते हैं अब, तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई, वो मैपिंग में भी स्कीमेटिक डायग्राम में भी देख सकते हैं, और लेट साई ऑफ एल्फा बीटा इक्वल टू क्यों यहाँ लिखा गया है, जरा डायग्राम में चल के आप देखें तो यही सूरत आला अब आपके पास बन रही है, ठीक है ना जी। इनकी कंपोजिशन जो है साई ऑफ बीटा इंटू साई ऑफ एल्फा इनवर्स बनेगी, ठीक है जी। ये देखा आपने, साई ऑफ लेट आप कर रहे हैं इसमें एज्यूम कर रहे हैं, एज द कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमार्फिज्म साई ऑफ एल्फा बीटा इज अगेन एज आइसोमार्फिज्म एंड द मैप्स एफ ऑफ एल्फा ऑन टू एंड दे मैप एफ ऑफ एल्फा ऑन टू एफ ऑफ बीटा, यानी कि आप एफ ऑफ एल्फा ऑन टू एफ ऑफ बीटा के बारे में ये आप मैप क्रिएट करना चाह रहे थे, तो इसकी यही पॉसिबिलिटी थी कि इसको सर्कल किया जाए या इसको साई इनवर्स ऑफ एल्फा जो है, साई एल्फा इनवर्स जो है यहाँ इसके साथ ये जो एलिमेंट है मुड़ के फिर ये आएंगे आपके पास, तो फिर ये आपके पास एक कम्यूटेटिव डायग्राम्स दो बनेंगे, इस वजह से वहाँ पे लेट ये किया गया है, ठीक है ना जी। तो फोर सी नॉट प्लस सी वन अप टू एन माइनस वन, ये एक एफ ऑफ एल्फा से आपने एलिमेंट दिया, वी हैव टू अप्लाई दिस मैप अपॉन दिस वन, तो ये साई एल्फा इनवर्स इसके ऊपर जब अटैक करेगी, तो ये आपको पता है कि साई एल्फा इनवर्स मुड़ के देखें डायग्राम में, फिर आपके पास यहाँ के ये वाले एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे आपके पास प्लस पी ऑफ एक्स में, और जब इसके बाद देखें इसके ऊपर जब साई ऑफ बीटा एक्ट करेगा, मैप एक्ट करेगी, तो फिर क्या एलिमेंट आएंगे आपके पास, बीटा की पॉलिनोमियल आपके पास आएगी, ये जो डैश के साथ लिखी गई है, तो यही सूरत हाल यहाँ पे हो गई हो रही है। सिंपल जो है आपने अल्फा की जगह पे जो है ये फिर पॉलिनोमियल वही आ गई, उस मिडल में आप आ गए और फिर साई बीटा एड किया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। तो साई ऑफ एल्फा प्लस बीटा जिस तरह डिफाइन की गई थी स्टेटमेंट के, आपने कॉन्जुगेट्स मांगते हुए एल्फा और बीटा को ये प्रूव कर दी कि इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट एंड इट एंड दिस मैप डज एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो होपफुली आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और अगर कुछ चीज़ समझ ना आई तो आपने क्वेश्चन रेज करना है, अब इसकी एग्जांपल्स वगैरह और इस पर मज़ीद काम हम करेंगे, गैल्वा थ्योरी से पहले ये ज़रूरी था इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन होगी मज़ीद। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।